देखो लॉन्ग टाइम में ना सोने के भाव और चांदी के भाव ऊपर ही जाने वाले हैं, यानी कि महंगा ही होने वाला है सोना। अगर आप लंबे टाइम के लिए देख रहे हो, एक सेफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो सोना आपके लिए बेहद एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, क्योंकि थोड़े बहुत सोने चांदी में गिरावट दर्ज होती रहती है, लेकिन एट लास्ट आप पिछले 10 साल से 15 साल से देख लीजिए, सोना महंगा ही होगा कहीं ना कहीं। तो हर रोज़ सोने चांदी के भाव जानने के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनके घर में शादियाँ हैं या फिर जो सोने के रेट हर रोज़ जानना चाहते हैं। चांदी की बात करें तो 1 ग्राम चांदी 85 रुपये की, 8 ग्राम 680 की, 10 ग्राम 850 की, 100 ग्राम 8500 रुपये की और 1 किलोग्राम चांदी आज की डेट में आपको 85,000 रुपये की मिलने वाली है। कल के मुकाबले थोड़ी महंगी हुई है और जैसा मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टाइम में सोना और चांदी महंगे ही होते जाएंगे। 1 तोला 18 कैरेट गोल्ड 54,660 रुपये का आज की डेट में आपको मिलने वाला है। बात कर लेते हैं 22 कैरेट गोल्ड की, यानी उस आभूषण की जिससे आप आभूषण बनाए जाते हैं। सोना जब भी खरीदिएगा हॉलमार्क जरूर चेक करिएगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हैं खासतौर पर अमेरिकन बाज़ार, उनसे काफ़ी हमारी 22 कैरेट गोल्ड और सोने की रेट जो हैं प्रभावित होते हैं। 1 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड आज आपको 6,680 रुपये, 8 ग्राम 53,440 रुपये, 10 ग्राम 66,800 रुपये, 100 ग्राम 6,68,000 रुपये आज की डेट में आपको मिलने वाला है 22 कैरेट गोल्ड। इसके अलावा आपको मेकिंग चार्ज और GST यानी टैक्स देना पड़ सकता है सोने पर, जब भी आप सोना खरीदने जाएंगे या आभूषण बनवाने जाएंगे। बात कर लेते हैं 24 कैरेट गोल्ड की, यानी शुद्ध सोने की, उस सोने की जो एकदम प्योर होता है, 99.9% इसमें गोल्ड होता है, उस सोने की बात कर लेते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जो भी राय रखते हैं सोने के बारे में, सोना सस्ता होना चाहिए या महंगा, वो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने जगह का, अपने शहर का नाम भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आप तक रेट हर रोज़ पहुंचा पाएँ आपके। 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 7,287, 8 ग्राम 58,296, 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड आज की रेट में आपको मिलने वाला है 72,870 और 100 ग्राम 7,28,700। मिलते हैं कल।